हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सलमान शेख, मेरे ये फर्स्ट Q&A वीडियो है। तो बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछा था, जो रिलेटेड क्वेश्चन है मैं वही उसी का आंसर करने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं सबको सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ। मैं मुंबई से हूँ और मैंने 2018 में कर्नाटका मैंगलोर में फादर मुलर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया। मतलब होम्योपैथी मैं फोर्थ ईयर BHMS स्टूडेंट हूँ अभी। ठीक है, तो बहुत लोगों को पता है, जो नए व्यूवर्स हैं मैं उनके लिए बता रहा हूँ। ठीक है, मेरा फ़ी जब मैंने 2018 में मैंने एडमिशन लिया था तो मेरा उस टाइम में फ़ी था पर ईयर 2.5 लाख और हॉस्टल और मेस का फ़ी आपको अलग रहता है, लेकिन सिर्फ इंस्टीट्यूशन का फ़ी 2.5 लाख है। ठीक है, ये रहा मेरे कॉलेज से रिलेटेड जो भी बातें थी। अब मैं आपको क्वेश्चन पे आता हूँ, जो आपने क्वेश्चन किया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको मैं बताता हूँ, हेमंत कुमार का है। उन्होंने पूछा है कि भैया मुझे फर्स्ट ईयर में क्या क्या प्रॉब्लम होगी अगर मैं एडमिशन लेता हूँ। तो जाहिर सी बात है, आपको फर्स्ट ईयर में अगर आप एडमिशन ले रहे हो तो जो गैप रहता है, जैसा कि आपने नीट दिया, आपको पता है कि मेरा एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, अब आपके मार्क्स अच्छे आए हैं तो उस गैप के बीच में थोड़ा बहुत आप इंग्लिश की प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, इंग्लिश अब बहुत लोगों को इंग्लिश बोलना नहीं आता है, इंग्लिश बहुत लोगों को समझना प्रॉब्लम हो जाता है जहाँ इंग्लिश टू इंग्लिश में बातें होती हैं। तो उस वजह से आप अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर लीजिए। और सबको पता है कि अगर आप BHMS में एडमिशन ले रहे हो तो उसमें एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और फार्मेसी, मतलब बेसिक स्टार्टिंग का बेसिक सब्जेक्ट है, तो आपको वो थोड़ा बहुत स्टार्टिंग का पोर्शन बेसिक्स आपको स्ट्रॉन्ग कर लेना चाहिए। उस वजह से आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम स्टार्टिंग में नहीं होगा। फिर जिस हिसाब से आप कॉलेज में जाओगे, तो जिस हिसाब से आपको पढ़ाई कराते रहेंगे और आपको डेली उस हिसाब से आपको नोट्स रेडी करना रहेगा। ठीक है, नोट्स को लिखना रहेगा, हर चीज़ आपको मेंटेन करके अगर आप चलोगे स्टार्टिंग से ही, क्योंकि नया नए कॉलेज में आप जाओगे और फर्स्ट ईयर रहेगा, मतलब अगर आपकी बात करूँ नीट का एग्ज़ाम और यूनिवर्सिटी, मतलब जो आप BHMS करने वाले, बहुत डिफरेंस है उसमें। तो आपको बहुत सारी चीज़ें नई चीज़ देखने मिलेगी, तो उसमें आपको ऐसा लगेगा कि मैं कोप अप नहीं कर पा रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसा लगेगा कि कोई बताने वाला चीज़ नहीं है, बताने वाला। तो आपको स्टार्टिंग से ही थोड़ा बहुत जो भी क्लास में पढ़ाया जा रहा है उस हिसाब से आपको मैनेज करना पड़ेगा। जैसे जैसे आप चलते जाओगे, आपको डेली नोट्स आप बनाते जाओगे, आप डेली जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको आके रूम पे अगर हॉस्टल में आकर एक बार रिविजन भी कर रहे हो ना, तो आपको दिमाग में वो रहेगा। ठीक है, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होगी अगर आप ये सब चीज़ें करोगे। ठीक है, अगर आप ये सोचोगे कि एडमिशन ले लूँ, अब मुझे बहुत लोगों का मानना है ना कि बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि एक बार आपने एडमिशन ले लिया तो फिर चिल है, आपको ज़्यादा पढ़ना नहीं। ऐसा नहीं है, आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही, चाहे आप कौन सा भी कोर्स ले लीजिए। ठीक है, चाहे आप BHMS ले लीजिए, चाहे ये MBBS ले लीजिए, फिजियोथेरेपी ले लीजिए, आयुर्वेदा, कौन सा भी कोर्स ले लीजिए, आपको बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बस डिपेंड करता है कि कौन सा कोर्स में कौन से सब्जेक्ट हैं, कौन से वैल्यू ज़्यादा है, उस हिसाब से आपको पढ़ना होगा। लेकिन आप ये मत सोचिए कि आप एक बार एडमिशन ले लिया आप चिल करना, ऐसा कुछ नहीं है। यूनिवर्सिटी कॉलेज बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, बहुत सारे डिमांड्स रहते हैं। मेरे कॉलेज में तो बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस, बहुत सारी चीज़ें आपको करनी पड़ती है, यहाँ के एग्ज़ाम को क्लियर करना पड़ता है, 3-4 एग्ज़ाम्स होते हैं। ठीक है, तो उस वजह से अगर आप डेली अपना वर्कआउट कर रहे हो, जैसा टीचर्स आपको बता रहे हैं, जैसा लेक्चरर्स आपको बता रहे हैं कि ये चीज़ें आपको पढ़नी है, जैसा आज कोई भी चैप्टर्स का थोड़ा बहुत पढ़ाया गया, तो उस चीज़ को आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो अर्पित सिंह ने पूछा है कि कितने मार्क्स के लिए कितने पेजेस हमको लिखना पड़ता है यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी की मैं बात करूँ, देखो यूनिवर्सिटी में ऐसा है कि अगर राजीव गांधी यूनिवर्सिटी जो हम लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें 50 पेजेस आपको रहते हैं, 50 पेजेस आपको आंसर शीट का 50 पेजेस रहता है। और कितने क्वेश्चन रहते हैं, 2 10 मार्क्स और 10 5 मार्क्स और 10 3 मार्क्स, तो ये लगभग 22 क्वेश्चंस आपको रहते हैं। ठीक है, 22 क्वेश्चंस आपको 3 आवर्स में आपको 50 पेजेस में लिखने रहते हैं। लेकिन डिपेंड करता है, कैसे मैं बताता हूँ आपको। मैंने अब मेरा फोर्थ है तो मैंने हर बार ऐसा देखा है, अगर आपको परफेक्ट आंसर आता है, आजकल मुझे नहीं लगता, ठीक है, आपको अगर परफेक्ट आंसर आता है तो आप 5 मार्क्स के लिए 2 पेज भी लिख दोगे बहुत है, आपको इनफ आंसर मतलब मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि पहले कितना पर्टिकुलरली उन्होंने कितना पेजेस आपको दिया, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, फिर कितना आप लिख सकते हो। आपको 10 मार्क्स के लिए उन्होंने 5 पेजेस दिए हैं, मतलब एक पेज को अगर लोगे तो एक साइड ये, एक साइड ये। ठीक है, तो आपको 5 पेजेस ऐसा दिया है और उसमें
आपको बराबर आ रहा है तो आप 4 पेज भी लिख सकते हो, 4.5 भी लिख सकते हो, आपको बहुत अच्छे से आ रहा है, आपकी हैंडराइटिंग भी अच्छी है, आप फास्ट लिख भी लेते हो, तो आप 5 पेजेस भी फिल कर सकते हो। सो फर्स्ट ईयर में आपको 2-3 डायग्राम भी बनाना पड़ेगा एनाटॉमी के लिए, तो उस वजह से आप फिल कर सकते हो। ठीक है, अब 5 मार्क्स की मैं बात करूँ तो उसमें आपको 3 पेजेस दिया रहता है, वो 3 पेजेस में आपको लिखना रहता है। ठीक है, लेकिन अब मैं बात करूँ जो 3 मार्क्स का आंसर रहता है, उसमें बहुत लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि 3 मार्क्स में कभी कभी 1 लाइन आंसर रहता है, तो उस चीज़ को मैं आपको कैसे एक एक पेज में भरना रहता है, आपको 3 मार्क्स के लिए 1 पेज में लिखना रहता है, 1 पेज आपको बहुत बड़ा पेज रहता है, तो उसमें आपको अब समझ लीजिए कोई भी क्वेश्चन है, तो व्हाट इज एंड आर्ट्री अगर आप मैं समझ लो, एनाटॉमी की मैं बात करूँ, कोई भी क्वेश्चन अगर, तो उसको आपको एक्सप्लेन करना रहेगा, आप यही तो नहीं लिख सकते वन वर्ड आंसर तो आप नहीं लिख सकते। ठीक है, तो उस चीज़ को आपको एक्सप्लेन करना रहेगा, आपको ऐसा नहीं कि आप ऑनलाइन वन वर्ड छोड़ के फिर वहाँ पे आप दूसरा ऐसा नहीं लिख सकते, आपको नेक्स्ट पेज पे आपको दूसरा बराबर नंबरिंग अब दिया गया है कि आपको इस पेज पे इस आंसर ये आंसर लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसा, अगर आपको आंसर पता है तो आप कैसा लिख, कितने पेजेस लिख लो, और आपको परफेक्ट नहीं पता है, बहुत सारा ऐसा आपको लग रहा है कि मैं भूल रहा हूँ सर, तो मैं आपको बताता हूँ कैसा आपको करना है। अगर आपको परफेक्ट आंसर पता है कि यार मैंने जो मुझे जो 10 मार्क्स का आंसर मिला है उस चीज़ में मुझे परफेक्टली आता है, मैं जो भी लिखूँगा मुझे परफेक्ट आता है, तो उस चीज़ को आप 3 पेज में भी लिखोगे ना इनफ है, परफेक्ट बोलते ना बुक का आंसर मैं आपको इसमें लिख दूँ। लेकिन आप ये सब आपको ऐसा लग रहा है कि मैं भूल रहा हूँ, बहुत लोग होते जो रट नहीं पाते, मतलब बोलते ना एकदम एग्जैक्टली नहीं लिख पाते, तो आपको 4.5 पेज आप लिखोगे ना तो इनफ है, आपको आराम से मार्क्स मिलेगा। लेकिन फिर उसके बाद 5 मार्क्स की मैं बात करूँ तो उसमें 3 पेज आप, जैसे मैंने आपको 2.5 पेज आप लिखो इनफ है, सफिशियंट है, आप आराम से पास हो जाओगे। आप 2 पेज भी लिखते हो एकदम परफेक्ट आंसर फिर भी पास हो जाते हो, अब देन 3 मार्क्स में आपको मैंने बताया। लेकिन जैसा आपको लगता है कि मेरा ये पेपर बहुत, मतलब मैं एनाटॉमी में, जैसे सोच लो कि मैं एनाटॉमी में थोड़ा वीक हूँ, पेपर वन में थोड़ा वीक हूँ, पेपर टू में, तो आपको क्या करना रहेगा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पेजेस फिल करना रहेगा। ठीक है, और थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंस आपको देना पड़ेगा कि क्या 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 मुझे लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो मुस्कान ने पूछा है कि दादा मेरी फ़ी कितनी है, मतलब मेरी जो फ़ी है कॉलेज की वो कितनी है। तो जब मैंने एडमिशन लिया था 2018 में तो मुझे 2.5 पे करना पड़ा था, मतलब पर ईयर 2.5 पे करना है। और जब, और अभी क्या है, अभी स्टार्ट कुछ दिन पहले, अभी मैं 4th ईयर में हूँ, तो जाहिर सी बात है 4 साल में कुछ तो फीस बढ़ेगी, तो उस हिसाब से फीस बढ़ते रहती है, अभी शायद 3.5 लाख पर ईयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यकीन 2.0 की मैं बात करूँ, उन्होंने पूछा है कि तुम्हारी BHMS की फ़ी कितनी है और आपके 12th में कितने मार्क्स आए थे। जैसा मैं आपको पहले बताया था मेरी BHMS की फ़ी 2.5 है लाख पर ईयर, और मेरा 12th में मार्क्स था 82% था। ठीक है, ये मैं ज़्यादा उतना, मतलब एवरेज स्टूडेंट था। ठीक है, मुझे, मैंने कभी कोचिंग या फिर क्लासेस मैंने ज्वाइन नहीं किए थे, जो भी मैंने किया मतलब घर पे ही पढ़ के, उतना ही और कॉलेज से ही पढ़ के मुझे मार्क्स मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सरफराज ने पूछा है कि भाई वहाँ के टीचर किस लैंग्वेज में पढ़ाते हैं। ठीक है, यहाँ तो बहुत सारी लैंग्वेज, आपको पता है साउथ में बहुत सारी लैंग्वेज है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, तुलु, और भी बहुत सारी लैंग्वेज है, मुझे नाम भी नहीं, लोकल लैंग्वेज का नाम भी नहीं पता। लेकिन अब अपने रीजनल लैंग्वेज सब लोग बोलते हैं। ठीक है, लेकिन टीचर्स क्या पढ़ाते हैं, वो सिर्फ इंग्लिश में ही बात करते हैं, इंग्लिश में आपको एक्सप्लेन करेंगे, इंग्लिश में ही आप डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, और सब कुछ इंग्लिश में ही रहता है, मेरा कॉलेज इंग्लिश टू इंग्लिश में ही है, ऐसा नहीं कि अब समझ लो यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं, ऐसा मैं जैसा मुंबई से आया हूँ, अगर ये लोग कन्नड़ा में बात करेंगे तो मुझे समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अगर कोई तमिल से आया हो और यहाँ पर तमिल में बात करेंगे, तमिल टीचर्स अगर तमिल में बात करेंगे तो किसी को समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से इंग्लिश को इन्होंने प्रायोरिटी दिया जाता है और इंग्लिश में ही बात करते हैं, इंग्लिश में ही आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, MD मज़ा अंसारी ने पूछा है कि मैं BHMS फर्स्ट ईयर में का स्टूडेंट हूँ और मैं काफ़ी नर्वस हूँ, आप प्लीज़ बताइए ना कि फर्स्ट ईयर में कैसे फिजियोलॉजी, एनाटॉमी और फार्मेसी पढ़ो, और क्या बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, बताए ना प्लीज़ भैया। फर्स्ट ईयर में जैसा कि मैंने आपको बताया कि फर्स्ट ईयर में सबको प्रॉब्लम होता ही है, बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग रहता है अपने, ठीक है, यूनिवर्सिटी का, कॉलेज के बारे में कुछ पता नहीं रहता, टीचर्स के बारे में पता नहीं रहता, और क्या पढ़ रहे हैं बहुत सारी चीज़ें पता ही नहीं चलती है। ठीक है, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फार्मेसी, सब ऐसा लगता है कि सब चीज़ें नहीं हैं।
ठीक है, तो उस हिसाब से मैंने आपको पहले ही बताया कि आप अगर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो आपको थोड़ा तो अपने आप को संभालना ही पड़ेगा। ये कभी मत सोचिए कि आपको एडमिशन हो गया आप चिल कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। आपको थोड़ा हार्डवर्क स्टार्टिंग में थोड़ा करना ही पड़ेगा, हार्डवर्क उसको नहीं बोल सकते, आपको टाइमिंग मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, जैसा कि आपको मैं आपको एक सैंपल देता हूँ, जैसा कि आज मुझे डाइजेस्टिव सिस्टम फिजियोलॉजी से पढ़ाया गया, एक घंटे के लेक्चर्स में कितना पढ़ाएंगे, तो समझ लीजिए 3 पेज पढ़ाया गया और चैप्टर आधा चैप्टर समझ लो कंप्लीट हुआ है, या फिर 2-3 टॉपिक कंप्लीट, वो टॉपिक को आप नोट्स बनाइए, जो भी टीचर्स लिख रहे हैं लेक्चर्स बता रहे हैं और आपको नोट्स बनाइए, फिर यहाँ पर आके बुक में और वो चीज़ को दोनों चीज़ को देख के पढ़ लीजिए। बस आपको रटना भी नहीं है, सिर्फ आपको उसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, कि नेक्स्ट टाइम अगर कोई टीचर आपको पूछे तो, और नेक्स्ट टाइम कभी आपको अगर पढ़ने की उसकी ज़रूरत हो तो आपको ऐसा ना लगे कि ये चीज़ें मैं तो नहीं पहली बार पढ़ रहा हूँ। ठीक है, आपको ऐसा नहीं फील होना चाहिए, आपको ऐसा रहना चाहिए या मैंने ये पढ़ा है और उस हिसाब से मुझे थोड़ा बहुत ही आता है, बस मेरे को रिविजन करना है। और प्रेशर की बात करूँ तो प्रेशर आप डिपेंड करता है, प्रेशर तो रहेगा ही कॉलेज में, आपको प्रेशर रहेगा ही रहेगा। कोई भी कॉलेज ये नहीं चाहेगा कि ये स्टूडेंट मेरा फेल हो। ठीक है, उनका रेपुटेशन या फिर उनके बोलते ना रिजल्ट्स ख़राब हो, उनको 100% रिजल्ट चाहिए कि मेरे स्टूडेंट अगर 100 स्टूडेंट है तो 100 पास हों। ठीक है, तो उस हिसाब से वो प्रेशर्स करेंगे ही, प्रेशर डालेंगे ही कि आपको पढ़ो, आपका मार्क्स अच्छा आना चाहिए इंटरनल्स में। ठीक है, तो उतना प्रेशर रहेगा ही रहेगा। कोई आप ऐसा मत सोचिए कि आपको एडमिशन हो गया तो आप डॉक्टर बन गए, ऐसा नहीं है। आपको प्रेशर रहेगा ही रहेगा, आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि मुझे अब पढ़ना नहीं है, अब सिर्फ कैसे भी करके यूनिवर्सिटी में कुछ भी लिख दो, ऐसा मार्क्स ऐसा कुछ नहीं है। टीचर्स आपको परेशान करेंगे ही, आपको उतना पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो शगुफ्ता ने पूछा है कि क्या तुम BHMS से खुश हो। ये क्वेश्चन आपको मैं बता दूँ क्या क्या है सच्चाई। ठीक है, जब मैंने एडमिशन लिया तो मुझे आइडिया नहीं था कुछ भी BHMS के बारे में, थोड़ा बहुत आइडिया था। ठीक है, लेकिन ये कंपेयर मैंने किया था कि आयुर्वेदा और BHMS और फिजियोथेरेपी में जब मैंने कंपेयर किया और बहुत सारी चीज़ें मतलब सोचा समझा तो मुझे BHMS ज़्यादा अच्छा लगा। ठीक है, लेकिन मुझे आइडिया नहीं था कभी, मैंने लाइफ में मतलब बोला ना 2018 के पहले मैंने कभी होम्योपैथिक एक भी मतलब मेडिसिन नहीं लिया था, ये ट्रूथ है, मैंने कभी होम्योपैथी ट्राई नहीं किया था। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद जस्ट सोचा कि एडमिशन लिया तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है 4-5.5 ईयर कैसे भी करके पढ़ाई करके निकल जाएगा और मैं फिर वापस मुंबई में जाके मैं चेंज हो जाऊँगा और एलोपैथी प्रैक्टिस करने लगूँ। लेकिन ऐसा मैंने स्टार्टिंग में सोचा था। ठीक है, जाहिर सी बात है बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसा करते हैं। ठीक है, आयुर्वेदा BHMS सब एट लास्ट कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप जैसे जैसे मैं पढ़ते गया, जैसे जैसे मैंने मेरा 6 मंथ गया, 1 ईयर हुआ। ठीक है, फर्स्ट ईयर तो चलो ठीक है कोई क्लिनिकल एक्सपोजर नहीं होता आपको, उतना होम्योपैथी के बारे में जानने को नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन आप जैसे सेकेंड ईयर में जाते हो क्लिनिकल एक्सपोजर होता है, आप जैसे जैसे आप जानना स्टार्ट करते हो कि होम्योपैथी में ऐसा क्या है। ठीक है, इतना बड़ा सिस्टम है तो कुछ तो बात होगी। मैंने कभी चीज़ की भी किसी भी चीज़ को इग्नोर नहीं किया। ठीक है, जैसा कि अगर मैं बोलूँ बहुत लोग बोलते हैं कि आयुर्वेदा में क्या है, ऐसा कुछ नहीं है, इतना बड़ा सिस्टम है तो कुछ तो बात है, आदमी को रिलीफ मिल रहा है, क्योर मिल रहा है, तभी तो वो लोग वहाँ पे जा रहे हैं, तभी तो सिस्टम इतना बड़ा सिस्टम चल रहा है। तो जब मैंने स्टार्ट ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, मैंने मेडिसिन लेना स्टार्ट किया, कभी मुझे कुछ अभी जब से मैंने मैंने जब से एडमिशन लिया है तब 2018 से अभी तक मैंने कभी एलोपैथी एडमिशन मतलब दवा एक भी दवा नहीं लिया मैंने। ठीक है, ये भी मैं बता देता हूँ, कोई भी प्रॉब्लम मुझे होती है तो मैं अपनी दवा जाके होम्योपैथी अपने कॉलेज में हॉस्पिटल में जाके कंसल्ट करता हूँ, वहाँ पे दवा मैं ले लेता हूँ। ठीक है, तो आप जानना स्टार्ट करो। ठीक है, आप खुद समझ जाओगे कि इसमें क्या सही है क्या गलत है। हर एक सिस्टम की लिमिटेशन और बोलते ना उसका फ़ायदा है, लिमिटेशन भी है, ऐसा नहीं है लिमिटेशन भी है लेकिन उसका फ़ायदा भी आप देखो। हर चीज़ हर सिस्टम का लिमिटेशन, हर चीज़ का नुकसान फ़ायदा हर चीज़ें हैं। मैं कोई भी सिस्टम ये नहीं बोल सकती हमारा सिस्टम सिर्फ बोलता फ़ायदा ही है, इसमें सिर्फ ना अच्छी चीज़ें ही होती, ऐसा नहीं है। जब मैंने इसके बारे में स्टार्ट मतलब पढ़ना स्टार्ट किया, समझना स्टार्ट किया,
केस एनालिसिस देखा, अपने ओपीडी में जाके ऑब्जर्व करना सीखा, ठीक है, कि लोग क्योर हो रहे कि नहीं हो रहे, हाँ जो आ रहे हैं, जो जो पेशेंट्स आ रहे हैं यहाँ पे, उनको रिलीफ मिल रहा है, क्योर मिल रहा है कि नहीं। फिर मैंने समझना सीखा कि चलो ठीक है, अब तो यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी डिजीजेस क्योर हो रही हैं, ठीक है, सफरिंग मतलब बोलते हैं ना कि बहुत बहुत बड़ी बड़ी डिजीजेस ये लोग क्योर कर रहे हैं। फिर मेरा दिमाग चेंज होने लगा कि हाँ सिस्टम तो परफेक्ट है, ठीक है, तो मेरे दिमाग से ख्याल जाते गया कि अब मुझे एलोपैथी नहीं करना है, अब मुझे प्रैक्टिस सिर्फ होम्योपैथी ही करना है, मुझे होम्योपैथी में ही मास्टर बनना है, बोलते मुझे कुछ भी हो जाए, ठीक है, तो उस हिसाब से मेरा माइंड सेट, आप किसी चीज़ को समझने लगो ना तो नज़रिया आपको बदलने लगेगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि आप फिक्स हो जाओ कि ये सिस्टम ऐसा नहीं है, किसी को भी प्रेजुडाइज मत करो कि हाँ रे यार ये तो मैंने सुना है ऐसा है तो ये तो ऐसा ही रहेगा, फर्स्ट आप समझो उसको, आप अपने नज़रिए से देखो, सबकी बातें चलो ठीक है सबकी सुनो लेकिन करो अपने मन की, ठीक है, जब आप समझने लगेगे और डिफरेंस देखने लगोगे ना तो आपको समझ में आएगा विच इज़ बेटर, क्या सही है आपके लिए, ठीक है। और आफ्टर ऑल मैं खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैं होम्योपैथी चूज़ किया है, ऐसा आप ये भी मत सोचिए कि चलो अब तो ये फंस चुका है फोर्थ ईयर में आके कोई गलत नहीं बोलेगा, यस मैं लिटरली बोल रहा हूँ, मेरे पास ऑप्शन है मैं मुंबई में जाके चेंज कर लूँ, लेकिन मुझे वो नहीं करना है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैंने होम्योपैथी लिया, ठीक है, वो अलग बात है कि एमबीबीएस एम्स वो सब चीज़ें अलग हैं, अब मुझे जो चीज़ मिला है मैं उसमें सच में खुश हूँ, ठीक है, मैं खुश हूँ कि मुझे ये चीज़ मिला, अब होम्योपैथी में मैं एडमिशन लिया, होम्योपैथी के बारे में पढ़ रहा हूँ, होम्योपैथी मेडिसिन में प्रिस्क्राइब करूँगा, ठीक है, और इंशाल्लाह मैं आगे इसके आगे भी चलूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो एस क्रिएशन ने पूछा है कि भैया हार्ड होता है क्या बीएचएमएस पढ़ना, पढ़ाई की मतलब हार्ड होती है कि नहीं, तो इसमें सिर्फ बीएचएमएस के बारे में होता है तो मैं आपको बताता हूँ, बहुत अगर मैं एक वर्ड में बोलूँ ना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, ठीक है, अगर आप परफेक्ट होम्योपैथ बनना चाहते हो तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। अब मैं बात बताता हूँ कैसे क्यों। एनाटॉमी फिजियोलॉजी फार्मेसी सेम है, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम है, जब बात आती है मेट्रामेडिका और ऑर्गनन की तब यहाँ पर रियल डिफ़िकल्टीज स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। कैसे, इतने सारे आप, मैं चैलेंज करता हूँ कोई भी अगर 10 ड्रग्स होम्योपैथी के 10 ड्रग्स पढ़ने के बाद इंडिविजुअलाइज अगर मैं आपको बोलूँ ना कि परफेक्ट आप बता दो कि ये ड्रग में ये है, नॉर्मल इंसान इम्पॉसिबल है आपको पता है, ठीक है, 10 ड्रग पढ़ने के बाद, और फिर उसे और बहुत सारे ड्रग्स हैं, आपको 50 ड्रग्स सेकेंड ईयर में पढ़ना पड़ेगा और अराउंड 85 और 100 के ऊपर थर्ड ईयर में पढ़ना पड़ेगा और मोर देन 100 और 200 आपको फोर्थ ईयर में पढ़ना पड़ेगा, तो ऐसे बहुत सारे रेमेडीज़ हैं जो आपको कवर अप करना पड़ेगा, और सब आपको जब आप मेडिसिन पढ़ने लगोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि ये सब ड्रग्स सिमिलर हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे डिफरेंस हैं। मैं आपको एक होम्योपैथी ड्रग्स के बारे में आपको मैं कभी इंडिविजुअल मतलब अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मैं आपको एक वर्ड में बताऊंगा, होम्योपैथी ड्रग्स पढ़ना इजी नहीं है, ठीक है। अब मैं बात करूँ सेकेंड सब्जेक्ट की, वो है ऑर्गन ऑफ मेडिसिन। ये वर्ड ही सुन के होम्योपैथी ना जो पढ़ता है जो होम्योपैथी में है उसको उनसे पूछिए आप कि ऑर्गन ऑफ मेडिसिन के बारे में आप बताइए कुछ, कैसा सब्जेक्ट है कैसा है, तो आपको वो बताएंगे भाई कि क्या रियल ऑर्गन ऑफ मेडिसिन है। बहुत कुछ आपको सीखने मिलेगा, बहुत चीज़ों के बारे में आपको जानने मिलेगा, डिजीज़ के बारे में, ठीक है, सफरिंग के बारे में, हर एक चीज़ें आपको पता चलेगी, डिजीज़ क्यों होता है, किस कारण से होता है, एक इंसान दूसरे इंसान से कैसे अलग है, एक हेडेक दूसरे हेडेक से कैसे अलग है, ठीक है, और हमारे होम्योपैथी में कैसे आपको हेडेक के लिए कितनी सारी दवा है, ठीक है, तो फिर उसके बाद फिलॉसफी की बात है, आपको कैसे अप्लाई करना है, कितने डोज कैसे चीज, मतलब अगर मैं बात करूँ तो है बहुत डिफ़िकल्ट,
मैं अगर बात करूँ तो एलोपैथी से भी ज़्यादा डिफिकल्ट है, बस शर्त यही है कि अगर आप होम्योपैथी परफेक्ट होम्योपैथ बनना चाहते हो तो आपको ये सब चीज़ें लेकर साथ चलना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हेमंत कुमार ने पूछा है कि BHMS और BAMS में कौन सा बेस्ट रहेगा। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, किसी के ऊपर, सबके ऊपर, ये बहुत लोग ये पूछते हैं कौन सा बेस्ट रहेगा ये, ठीक है। अगर किसी को MBBS नहीं मिला तो वो यही सोचते हैं कि अब मैं क्या करूँ, फिजियोथेरेपी करूँ, BAMS करूँ या BHMS करूँ, आयुर्वेदा करूँ या होम्योपैथी करूँ, आयुर्वेदा करूँ या होम्योपैथी करूँ, क्या करूँ। तो सबसे पहले आप सोचिए आपका गोल होना चाहिए। अगर आपके पास गोल है कि ठीक है आपको किसी के बारे में नॉलेज है, मेरे पास आयुर्वेदा का नॉलेज है, तो ठीक है आप कर सकते हैं। अगर आपको BHMS के बारे में नॉलेज है आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ भी करने से पहले आपको रिव्यू लेना पड़ेगा दो तीन लोगों से, 10 लोगों से। सिर्फ डॉक्टर से ही नहीं, जो होम्योपैथी डॉक्टर हैं उनसे ही नहीं, जो वो चीज़ पढ़ रहे हैं ना, स्टूडेंट से लीजिए, ठीक है, तब आपको एग्जैक्ट पता चलेगा। आयुर्वेदा में जाइए, आप उनसे पूछिए इसका बेनिफिट क्या है, इसमें नुकसान क्या है। BHMS में जाइए, BHMS के स्टूडेंट से कॉन्टेक्ट करिए, आपको उससे पता चलेगा कि आपके लिए क्या बेस्ट रहेगा। मेरे लिए होम्योपैथी मेरे लिए बेस्ट है, ऐसा नहीं कि मैं एडमिशन ले लिया फंस गया, ऐसा कुछ नहीं, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मेरे लिए होम्योपैथी बेस्ट है। मैं बहुत सारे डिजीजेस क्योर कर सकता हूँ, प्रिवेंट नहीं, मैं बताता हूँ, मैं प्रिवेंट की बात नहीं सीख रहा, क्योर भी कर सकता हूँ मैं, ठीक है। मैं पैलिएशन, सप्रेशन, वो सब चीज़ें हम लोग क्योर करते हैं, ठीक है। तो आप उसके बारे में जानिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमन ने पूछा है, भैया प्राइवेट कॉलेज में रैगिंग होती है कि नहीं। ये क्वेश्चन कैसे मैं बताऊँ, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट, अगर रैगिंग होती है, रैगिंग तो अभी ख़त्म हो चुकी है ऑलमोस्ट, अगर रैगिंग होती है तो या ऑब्वियसली उस कॉलेज में, जब अथॉरिटी को नहीं पता होगा, लेकिन इनसाइड होते ना, इनसाइडर होती रहेगी रैगिंग। लेकिन हमारे कॉलेज में ऐसा नहीं है, रैगिंग के नाम पे ऐसा कुछ भी नहीं है, ऑलमोस्ट प्राइवेट कॉलेज में रैगिंग नहीं होती है, जहाँ तक मेरा मानना है। रैगिंग पहले बहुत हुआ करती थी जहाँ तक मैंने सुना है, लेकिन अब रैगिंग का सिस्टम ख़त्म हो गया, ऑलमोस्ट निल हो गया है। तो उस चीज़ का डर नहीं होना चाहिए, अगर आप एक बार निकल चुके हो पढ़ाई करने के लिए, तो स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत आपको एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम होगा ही होगा, ठीक है। कहीं कहीं इंट्रो के नाम पर रैगिंग होती है, आपको बुलाएंगे, आपको इंट्रो लेंगे, आपका इंट्रो लेंगे, तो उस हिसाब से आपको उतना ब्रेव या फिर उतना लाइटली लेना ही पड़ेगा, ठीक है। बाकी और रैगिंग, और मुझे नहीं लगता कि रैगिंग कहीं पर होती है। इस क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो अजय गुप्ता ने पूछा है, भाई हिंदी मीडियम नीट वाले स्टूडेंट को BHMS में क्या क्या प्रॉब्लम होती है, कैसे मैनेज करें। अब क्या बताऊँ, मैट्रामेडिका जो है वो तो चलो हिंदी में है, मतलब जो ड्रग्स के बारे में है वो तो हिंदी में आपको मैट्रामेडिका की बुक्स मिल जाएगी, लेकिन अब प्रॉब्लम कब आती है, जब आप फर्स्ट ईयर में जाते हो एनाटॉमी फिजियोलॉजी फार्मेसी, फिर उसके बाद पैथोलॉजी सेकेंड ईयर की, और माइक्रोबायोलॉजी FMT, ये सब चीज़ें आप जब पढ़ना स्टार्ट करोगे ना, तो ये सब चीज़ें इंग्लिश में ही है ना, तो आपको इंग्लिश ज़रूरी है। मैं मानता हूँ जो पूरी टिल 12 तक उन्होंने सिर्फ हिंदी को ही देखा है, हिंदी को ही सुना है, हिंदी बुक्स ही पढ़ी है, इंग्लिश से उनका दूर दूर से कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन आपको जाने के बाद आपको इंग्लिश कैसे भी करके सीखना ही पड़ेगा। मैं मैंडेटरी मतलब बोलते हैं, चलो ठीक है आप बोल नहीं पा रहे हो, इट्स ओके, लेकिन आपको इंग्लिश पढ़ना आना चाहिए, लिखने आना चाहिए प्रॉपर, समझने आना चाहिए, बोल नहीं पा रहे हो ओके नो प्रॉब्लम, लेकिन आपको ये सब चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर, आपको बुक पढ़ना, बुक्स को आप चेंज नहीं कर सकते ना कि आपको हर एक बुक हिंदी में मिलने लगे। आगे चल के वर्ल्ड बोलते ना कि हर एक चीज़ें इंग्लिश में हो रही है, आपको पता ही है यहाँ पे हिंदी या फिर रीजनल लैंग्वेज इतना वैल्यू नहीं है कि हर चीज़ें आपको हिंदी में ही मिले, ठीक है। तो इंग्लिश आपको करना ही पड़ेगा। मैनेज की बात करूँ तो चलो ठीक है, मैं मैनेज की बात बताता हूँ, मैं अपने अपने को ही बताता हूँ। मैंने कभी लाइफ में
ट्वेल्थ जब मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया था उसके पहले मैंने कभी इंग्लिश बोला ही नहीं था। मुझे पढ़ना आता था, लिखना आता था, समझना आता था, सब कुछ आता था, लेकिन बोलना तो थोड़ा भी नहीं आता था, ठीक है। लेकिन जब मैंने एडमिशन लिया तो मेरे पास कोई ऑप्शन बचा ही नहीं कि मैं अब क्या करूँ। टीचर्स भी यहाँ पे इंग्लिश बोल रहे हैं, स्टूडेंट भी यहाँ पे इंग्लिश बोल रहे हैं, हर एक बंदा यहाँ पे इंग्लिश बोल रहा है, कोई भी लेक्चरर आके इंग्लिश बोल रहा है, और फिर आपको इंग्लिश में बात भी करना है। जब मैंने एडमिशन लिया समझ तो रहा हूँ लेकिन बोल नहीं पा रहा हूँ, दोस्तों से हेल्प ले रहा हूँ, दोस्तों से बात कर रहा हूँ थोड़ा बहुत, फिर जब तक आप बोलना स्टार्ट नहीं करोगे, आप एक बार बोलना कि कैसे भी आप टूटी फूटी इंग्लिश स्टार्ट करो, न्यूज़पेपर्स पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है। बहुत 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 सारे कॉलेज में आपको इंग्लिश के टीचर्स आते हैं, आपको इंग्लिश में बोलना, ठीक है, लिखना पढ़ना ये सब, लिखना तो चलो ठीक है नॉर्मल चीज़, बट इंग्लिश में बोलना आपको सिखाएंगे। हमारे कॉलेज में जैसा कन्नड़ा के टीचर्स आते हैं जो नॉन कन्नड़िकट स्टूडेंट है तो उनको कन्नड़ा सिखाते हैं, ठीक है। तो आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है अच्छे से, अगर आपके पास टाइम है तो मूवीज़ आप देखो, इंग्लिश मूवीज़ देखो, तो सुन के आपको आदत पड़ने लगेगी और वही चीज़ें आप रिपीट करने लगो, वही चीज़ें आप छोटी मोटी बातें भी इंग्लिश में बोलने लगो, तो आपकी थोड़ी बहुत इंग्लिश इम्प्रूव होती रहेगी। अब फर्स्ट ईयर में अगर आपने सोच लिया कि मुझे इंग्लिश बोलना ही है, मुझे किसी और को देखना ही नहीं है कि मैं गलत बोल रहा हूँ सही, स्टार्टिंग में सब लोग का मजाक उड़ाते हैं, सबका मजाक उड़ेगा, चलो ठीक है ले लेंगे, लेकिन आगे चल के आपको सीख जाओगे ना। वैसे ही मेरे साथ हुआ, मैं नहीं मानता हूँ कि मुझे बहुत इंग्लिश है, ऐसा कुछ नहीं है, बस अपना काम अच्छे से चलना चाहिए बस, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए आपको स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगी, आप बोलते बोलते एक टाइम ऐसा आएगा कि आप नॉर्मल से इंग्लिश बोलने लगोगे, बिना डरे आप इंग्लिश में डील कर लोगे कोई भी चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो हरलाल सिंह ने पूछा है BHMS इंटर्नशिप में सैलरी मिलती है क्या प्राइवेट कॉलेज में। तो BHMS इंटर्नशिप में मेरे कॉलेज में तो सैलरी नहीं मिलती है, और ऑलमोस्ट मतलब अगर मैं बात करूँ तो 80% कॉलेज में जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं उसमें सैलरी मतलब नहीं मिलती है। अगर आपने गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लिया है तो शायद उनमें मिले और मिलती होगी, और बहुत सारे कॉलेज में मिलती भी है, ऑलमोस्ट सभी कॉलेज में गवर्नमेंट कॉलेज में मिलती है, लेकिन प्राइवेट कॉलेज में नहीं मिलती है। तो मेरे कॉलेज में भी नहीं मिलती है, क्यों नहीं मिलती, उनको तो और पैसा मिले तो प्राइवेट कॉलेज को क्या है, उनको जितना पैसा मिले उतना ही सही है, ठीक है। तो प्राइवेट कॉलेज में सैलरी नहीं मिलती। नेक्स्ट क्वेश्चन आयशा खान ने पूछा है, आपने गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लिया है या प्राइवेट कॉलेज में। सो पहले ही मैंने आपको बताया है कि मेरा प्राइवेट कॉलेज है, फादर मुल्लर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज कर्नाटका मैंगलोर में, और प्राइवेट कॉलेज से एडमिशन लिया। हाँ, ये अच्छा था कि यहाँ पे डोनेशन नहीं लगा लाइक मुंबई में डोनेशन पहले लगता है, तो ये अच्छी बात थी कि मुझे डोनेशन नहीं देना पड़ा। बाकी फ़ीस तो नॉर्मल 2.5 पर ईयर में पे कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने मैनेजमेंट मतलब डायरेक्ट एडमिशन लिया था और मेरा नीट क्लियर हो गया है, नीट मतलब एलिजिबल था मैं एडमिशन लेने के लिए, तो इस वजह से मुझे एडमिशन मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रीति यादव ने पूछा है कि फादर मुल्लर में एडमिशन प्रोसेस क्या है। अब थ्रू नीट आपको तो पता ही है, थ्रू नीट आप एलिजिबल हो, आपको अगर मिल चुका है या AI यू नो नीट के हिसाब से, तो आप एडमिशन आपको थ्रू नीट मिले जाएगा, कर्नाटका वाले तो कर्नाटका के हिसाब से, वरना AIPMT रैंक से जो भी ऑल इंडिया रैंक से आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हो तो हाँ, उसके लिए थोड़ा प्रोसेस है। प्रोसेस मतलब आपको बताता हूँ, अगर आप एलिजिबल हो, आप एलिजिबल मतलब एक कट ऑफ रहेगा कि चलो ठीक है ये एलिजिबल से कम है आपको मार्क्स, तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। अगर आप एलिजिबल हो तो आपको डायरेक्ट एडमिशन यहाँ पे मिल जाएगा, आप एलिजिबल हो यहाँ पे आओ और अपना एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट नीट कर दो, 10th या 12th कर दो, और जो भी नॉर्मल सर्टिफिकेट लेंगे वो चीज़ें सबमिट करो, आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है।
ज़्यादा बड़ा लंबा प्रोसेस नहीं है और यहाँ पर कोई मीडिएटर नहीं है जो मिडिल मैन खड़ा रहे, सिर्फ चीज़ें नहीं हैं। आप अगर आओ, आप एलिजिबल हो, अपना सर्टिफिकेट दो, नीट का सर्टिफिकेट, ये सब चीज़ें जो भी डॉक्यूमेंट्स ये लोग मांगते हैं वो चीज़ दो, आपका एडमिशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अमित यादव ने पूछा है, भैया BHMS हिंदी मीडियम से भी होता है क्या? मैंने पहले ही बताया, लैंग्वेज को आप क्यों बैरियर मान रहे हो, आपको नहीं आता तो थोड़ा बहुत एक दो महीने स्ट्रगल करो, हार्ड वर्क करो, आपको आने लगेगा। उस लैंग्वेज के डर से आप अपना एम, अपने लाइफ का एम क्यों डिपेंड हो हिंदी से, क्यों इंग्लिश में ही आपको आएगा? सब चीज़ें पॉसिबल है, आप एक बार स्टार्ट तो करना करो, एक बार एडमिशन तो लो, आपको सब कुछ आने लगेगा। ठीक है, हिंदी मीडियम से नहीं होता है, इंग्लिश में ही आपको होता है। ठीक है, बस आपको इंग्लिश तो हर जगह है भैया, उसमें कोई मतलब आप इंग्लिश से भाग नहीं सकते। अब मैं एक वर्ड में बोलूँ तो इंग्लिश से आप भाग नहीं सकते, आपको कैसे भी करके इंग्लिश पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो बस यही है कि नॉर्थ में या फिर आपके आप मतलब नॉर्थ साइड जहाँ पे इंग्लिश को कम वो देते हैं, तो वहाँ पे आपको टीचर्स आके भले हिंदी में बात करें, हिंदी में बताएं, लेकिन सब्जेक्ट तो इंग्लिश में ही रहेगा ना। ठीक है, जैसा यहाँ की मैं बात करूँ तो यहाँ पर तो आपको हर एक चीज़ें इंग्लिश में मिलेगी, टीचर्स भी बात कर रहे हैं, आपको हर जगह इंग्लिश में ही बात करना पड़ेगा। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफिस में जा रहे हो तो इंग्लिश में बात करो, टीचर से बात करने जा रहे हो, उनसे मिलने जा रहे हो तो इंग्लिश में बात करो, लेकिन आप नॉर्थ में हो तो जाहिर सी बात है हिंदी में पढ़ाएं, हिंदी में बात करेंगे, लेकिन जो सब्जेक्ट है वो तो इंग्लिश में ही रहेगा ना, आप वो समझिए, आपको एग्ज़ाम तो इंग्लिश में ही देना पड़ेगा ना। ठीक है, तो वो सब चीज़ें इंग्लिश को बहुत बड़ा बैरियर मत समझो, बहुत बड़ा। ठीक है, आप एक बार स्टार्ट करोगे पढ़ना, सब कुछ ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, शेख एनी ने पूछा है, सर MBBS की स्टडी हार्ड है या BHMS की, प्लीज़ रिप्लाई। अब मुझे यहाँ पे कंपेयर करना है कि MBBS और BHMS में कौन सा हार्ड है। ठीक है, क्या बोलूँ मैं, अगर अभी बात करने लगूँ कि बहुत ज़्यादा हार्ड है BHMS और बहुत ज़्यादा हार्ड है MBBS, ऐसा नहीं है। हर एक चीज़ें कोई भी, वो कॉलेज पर डिपेंड करता है, आप कैसा डॉक्टर बनना चाहते हो वो डिपेंड करता है। ठीक है, वरना पास होने के लिए क्या है, थोड़ा बहुत पढ़ाई कर लो, एग्ज़ाम के 2 महीने 1 महीने पहले 15 दिन पहले पढ़ाई कर लो, रट्टा मार लो, एग्ज़ाम में जाके लिख दो, पास होने के लिए तो ईजी है ना। मतलब हर चीज़ें फिर ईजी रहेगी, MBBS भी ईजी रहेगा, BHMS भी ईजी रहेगा, आयुर्वेदा भी ईजी रहेगा, अगर आप अच्छे डॉक्टर, अगर डॉक्टर बनना ही चाहते हो। ठीक है, अपने सोच आपकी बोले ना, आपका एम ही वही है, तो फिर आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आपका एम ही रहेगा कि भाई हार्ड है तो तभी तो आपको समझ में आएगा ना, तभी तो आपको वो रहेगा कि चलो ठीक है, ये चीज़ें हर एक सब्जेक्ट इजी नहीं है, आपको हर एक चीज़ें समझ में अच्छे से नहीं आएंगी, उसके लिए आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा, चाहे वो MBBS हो, चाहे BHMS हो, चाहे जो कोई से भी फील्ड हो। हाँ, ऐसा है कि चलो ठीक है, आप पहले से ही पढ़ने में अच्छे हो, एक बार में ही आपको समझ में आ जा रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन स्टडी तो सबकी हार्ड है, हर चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी। हर एक कॉलेज पे भी डिपेंड बहुत सारा करता है, बहुत सारा कॉलेज ऐसा है कि वहाँ के इंटरनल थोड़ा वो रहता है कि वहाँ पर ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं रहता है, आप पास हो जाओगे और फेल हो जाओ, उनको फ़र्क नहीं पड़ता है, उनको क्या है, उनको फीस मिल रही है, उनका बैच चल रहा है, उनमें सप्ली बैचेस में चल, बहुत लोग 50% फेल हो रहे हैं, 30% फेल हो रहे हैं, 80% फेल हो रहे हैं, वो तो आपके ऊपर डिपेंड है ना कि आप क्या चूज़ करना, आपको फेलियर में जाना है कि आपको मेंटेन अपना लेवल मेंटेन करके रहेगा, अच्छे स्टूडेंट में स्कॉलर में आना है, ऐसा नहीं है। आपको अगर पढ़ना है, आपको अच्छा डॉक्टर बनना है, तो आपको पढ़ाई तो करना ही पड़ेगा, ऑब्वियसली आपको पढ़ना ही पड़ेगा, तो वो चीज़ें आपको आपके ऊपर डिपेंड है। आपको अगर MBBS मिल रहा है, आपको MBBS में पढ़ाई करना पड़ेगा, वो भी हार्ड रहेगा। BHMS मिल रहा है, BHMS में भी पढ़ना पड़ेगा, वो भी हार्ड रहेगा। तो ये ऐसा नहीं है कि मैं बोल दूँ यार MBBS BHMS में एडमिशन ले लो, यहाँ पे कुछ पढ़ाई करना है नहीं, कौन से भी कॉलेज में चले जाओ, ऐसा नहीं है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या बनना चाहते हो, आपको अच्छा डॉक्टर बनना है तो आपको नॉलेज तो रहना ही पड़ेगा। लास्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, वर्कला भवानी ने पूछा है कि वॉट टू डू आफ्टर होम्योपैथी, कैन वी प्रैक्टिस लाइक नॉर्मल MBBS स्टूडेंट। ये क्वेश्चन को मैंने लास्ट में इसलिए लिया है कि मैं आपको
बता सकूं क्या, मतलब 5 साल 4.5 साल पढ़ने के बाद आप क्यों MBBS करना चाहोगे बताइए? आप सिर्फ इसी चीज़ के लिए कि उसमें पेशेंट नहीं आते, या फिर आप MBBS एक बार अगर प्रैक्टिस MBBS करने लगे तो उसमें आप सर्जन बन जाओगे, स्पेशलिस्ट बन जाओगे? नहीं ना, आपको तो पता ही होगा कि अगर आप चेंज कर रहे हो, मान लो कि मैंने BHMS करके मैं चेंज हो जाऊँ और मैं एलोपैथी प्रिस्क्राइब करने लगूँ, और 1 साल मैं एलोपैथी प्रिस्क्राइब करूँ, फिर उसके बाद मैं सोचूँगा अब मैं चलो सर्जन बन गया, अब मैं ऑपरेशन कर लूँ, ऐसा तो है नहीं ना। अब अगर BHMS या फिर BMS में एडमिशन आपने लिया है, ठीक है, और 5 साल 4.5 साल आपने क्या किया कि आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं है अपने सिस्टम पर, या फिर आपको कॉन्फिडेंस अपने आप पे नहीं है कि मैं, अगर मेरे पास कोई पेशेंट आया तो मैं इनको ट्रीट नहीं कर पाऊँगा, समझ रहे हो ना? तो क्यों चेंज होना चाहते हो? अगर आपको पेशेंट नहीं है, पेशेंट हर जगह है, आप हर चीज़ें समझाओ, आपके पास पेशेंट आता था, उनको बताओ क्या है आपका सिस्टम, क्या आप कर सकते हो, आपकी कैपेबिलिटी क्या है, ठीक है, आप कैसे ट्रीट करते हो, कैसे आप पेशेंट से बात करते हो, वो मैटर करता है, तो वो तो मैटर करती ही है, लेकिन आप कैसे अपने आप को बताते हो वो भी मैटर करता है ना। तो उस वजह से आपको, अगर आप MBBS में एडमिशन ले रहे हो तो ठीक है, MBBS में ऐसा नहीं है कि MBBS करने के बाद कोई, अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है, स्पेशलिस्ट बनो, कार्डियोलॉजिस्ट बनो, ये बनो वो बनो, ठीक है, न्यूरोलॉजिस्ट बनो, लेकिन आप चेंज करने के बाद आप आ गए ना, फिर आप होम्योपैथी के हुए ना एलोपैथी के हो, उसमें भी पर्टिकुलर ड्रग रहेगा कि आप इतने ही प्रिस्क्राइब कर सकते हो, उसके आगे कुछ कर नहीं सकते, या फिर आप ऐसा करना चाहते हो कि दोनों मिक्स कर दे, ये नहीं काम कर रहा वो करो, ऐसा क्यों? कॉन्फिडेंस रखो, क्यों चेंज करना है अपने को? मैंने अगर 5 साल ये पढ़ा है, मैंने 4.5 साल पढ़ के 1 साल इंटर्नशिप भी किया है, बहुत सारे केस देखे हैं मैंने, तो क्यों मुझे चेंज होना है? मैं उसी चीज़ को अच्छा करूँ ना, 1 साल और मैं किसी डॉक्टर के अंडर काम करूँ, किसी हॉस्पिटल होम्योपैथी हॉस्पिटल में काम करूँ, तब मैं अपनी क्लिनिक डालूँ। तो आप कुछ भी करने से पहले आप सोचिए पहले कि मैं अगर ऐसा करूँगा तो क्या होगा। मैं नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सारे डॉक्टर हैं यार अभी भी चेंज हो रहे हैं, क्या कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप क्या करना चाहते हो वो मैटर करता है ना। तो ये रहा मेरा ओवरऑल फर्स्ट Q&A। आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट टेक केयर, गुड बाय।